नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सुकमा से बड़ी खबर के साथ। इस वक्त एक बड़ी जानकारी सुकमा से मिल रही है, जवानों पर फायरिंग का मामला सामने आया है। सुकमा से आरोपी जवान का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना के बाद जवान का वीडियो आया, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको सुकमा से बता दें। वीडियो में आरोपी जवान का हाथ बंधा हुआ है। आरोपी जवान रितेश रंजन ने फायरिंग की थी। समरता शंकर हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। शंकर, क्या है इस वीडियो में और क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए लगातार जिस तरीके से जो जवान है, मानसिक रूप से भी यहाँ पर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से इस पूरे वीडियो में देखा जा सकता है कि मानसिक रूप से भी यहाँ पर जवान जो है कमजोर लग रहा है। जिस तरीके से उसके बाद से जिस तरीके से इस जवान से लगातार अधिकारियों की बातचीत वहां पर लगातार जवानों ने उसके साथ की, उसके बाद जिस तरीके से बातचीत में उन्होंने इस बात को लेकर के कहा कि जिस तरीके से हम जो जवान है आपसी में जो लगातार बीते कुछ दिनों से आपसी में जो जवान को मानसिक तौर पर परेशान करते थे, आपसी में जिस तरीके से बात की जाए तो कई उसके निजी जीवन को लेकर के कमेंट करते थे, इससे हताश होकर के जवान ने जिस तरीके से फायरिंग जैसे चीजों को यहाँ पर उन्होंने बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से चार जवान यहाँ पर मौत हो जाता है, जिस तरीके से फायरिंग वाला मामला जिस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से जवान हताश हो चुका था। इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ लगातार की गई थी और पूछताछ के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ कि जो जवान है मानसिक रूप से जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकृत देखने को मिला जी। लेकिन शंकर, इसमें ये कह क्या रहा है जवान जो बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है इसमें, क्या कोई पीड़ा अपनी बता रहा है? देखिए, लगातार जिस तरीके से जवानों ने या उच्च अधिकारियों ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की थी, पूछताछ के दौरान जो कि उन्होंने इस बात को लेकर के कहा कि यहाँ पर जो जिस तरीके से कैंप में जो जवान है या उच्च अधिकारी है कभी इस तरीके के लेकर के या जो उस जो उसकी पीड़ा है या उसे जो जवान परेशान करते थे या कोई कमेंट करते थे उसे उस बात को लेकर के कभी उच्च अधिकारियों से उन्होंने शिकायत की या नहीं की, इस बात को लेकर के लगातार सवाल किया जा रहा था। और दूसरी तरफ अगर जवान की पीड़ा की बात की जाए तो उन्होंने इस बात को लेकर के जिक्र किया कि लगातार जो साथी जो जवान है उसे कमेंट करते थे, साथी जो जवान है उसके निजी जीवन को लेकर के या उसकी धर्म पत्नी को लेकर के गंदे कमेंट करते थे, इस तरीके का जो बयान सामने आया है। जो जवान यह कहता हुआ अधिकारियों को यह कह रहा है कि वो हमेशा से उसके निजी जीवन को लेकर के कमेंट करते थे, यही वजह रहा कि इस तरीके की चीजों को उन्होंने अपनाया जी। चलिए, शुक्रिया आपका शंकर जानकारी और इस बातचीत के लिए। दिनांक 8 नवंबर को जिला सुकमा के लिंगनपल्ली सीआरपीएफ कैंप में एक दुखद घटना हुआ। उस घटना में एक सीआरपीएफ जवान द्वारा गोली चलाने के कारणवश चार जवान की मृत्यु हो गई और तीन जवान अभी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। इन सब घटना को लेकर अलग अलग समय पर कोई ऑडियो कोई वीडियो सामने आ रहा है, लेकिन इस संदर्भ में हम वास्तविकता से बताना चाह रहे थे। इस घटनाक्रम में टोटल जो चार लोग का मृत्यु हुआ और तीन का जो घायल हुआ, घायलों का भी इलाज चल रहा है। और जो घटना का अंजाम देने वाला आरोपी सीआरपीएफ जवान को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के पश्चात अभी जुडिशियल रिमांड में जेल में भेज दिया गया और भी पूछताछ की जा रही प्रकरण का, इसमें जो फॉरेंसिक एविडेंस भी कलेक्ट की जा रही है और जो भी बात सामने आए थे, यदि वो आरोपी ने खुद अपना बचाव में जो बात बोला है या अन्य जो साक्षी सबूत जो हमको मिला, आई विटनेसेस क्या कुछ बात बता रहे थे, इन सब तमाम परिस्थिति के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही फिर हम एक अंत में एक फाइनल निष्कर्ष में पहुंच पाएगा। अभी तो पूरा वेस्ट प्राथमिक स्तर पर।